अक्सर कई मामले अधिकार क्षेत्र मना होने से पीड़ितों को लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा ही मामला कल सामने आया है जहां एक पीड़ित युवती को जीआरपीएफ और आरपीएफ से मदद न मिलने पर शहडोल संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने सहर्दता दिखाते हुए मदद प्रदान की है। दरअसल शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के एक गांव की एक लड़की ने 5 माह का गर्भ धारण कर लिया था। कथित युवती इन बातों से दूर होते हुए गर्भ को गिराने की गरज से कटनी के एक अस्पताल में गर्भ गिराने की दवा ली और उसका सेवन कर ट्रेन में बैठ गई। वहीं जब उसे असहनीय दर्द हुआ तो वह पाली रेलवे स्टेशन में उतरी, जिसे आरपीएफ के एक जवान ने पाली अस्पताल में दाखिला करा दिया, लेकिन उसका दर्द बढ़ता देख उसे आगे की मदद नहीं मिल सकी और युवती अस्पताल में ही पड़े दर्द से कराह रही थी, जिसकी जानकारी पाली के कुछ पत्रकारों ने एडीजीपी शहडोल डीसी सागर को दिया है, जहां एडीजीपी के निर्देश उपरांत पाली पुलिस ने कथित युवती को तत्कालीन उपचार कराकर शहडोल भेजने की व्यवस्था की। इस मामले में पाली अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक श्री चौरसिया ने बताया है कि युवती की हालत ठीक नहीं, उसे जिला अस्पताल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये है कि 20 वर्षीय बालिका है, अभी ट्रेन से पाली में उतरी हुई है, वो 5 मंथ की गर्भावस्था में है और उसके द्वारा उसको कंडीशन ये हुई कि उसको अचानक पेट में दर्द उठा है। पेट में दर्द उठा जो है उसकी इंक्वायरी करने पर पता लगाया गया है कि उसने पेट में गिराने वाले बच्चे गिराने वाली दवाई का उपयोग किया गया है। तो अब ये उसको किसी स्टाफ नर्स द्वारा दिया गया है, पता नहीं वो खुद ही जानती है इसका राज, तो उसके कारण उसको बच्चा गिरने की कंडीशन पे है जो हमारे अस्पताल में है अभी। परंतु हमारे द्वारा आरपीएफ की टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया और जीआरपी की टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया, जो कि रेलवे विभाग में आता है, वो इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे और जो भी होगा इसका, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ा सा इसके प्रोग्नोसिस पुअर है कि इसको रात में यदि बच्चा गिरता है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। किसके द्वारा लाया गया? ये आरपीएफ के किसी मेंबर द्वारा लाया गया, स्टाफ द्वारा लाया गया। क्या पता चला था कहाँ की लड़की है? ये जयसिंह नगर के आसपास किसी गांव की रहने वाली है। सर, वरिष्ठ अधिकारी भी जैसे आरपीएफ ने सूचना दी, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि उनके द्वारा भी जांच पड़ताल की जाएगी। उनका ये कहना है कि हमने अपने डिपार्टमेंट के एसपी को इन्फॉर्म कर दिया है, अब वो इसके आगे का जो भी स्टेप होगा वो लेंगे, क्या करना है।